Good evening guys. Hi and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. आज थोड़ा सुबह से बहुत बीमार था इसलिए व्लॉगिंग नहीं किया. अभी शाम को व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. सर चलिए, मम्मी ने नीचे बुलाया है, जाके आते हैं. ठीक है. और मैंने ना हॉल थोड़ा नया सेटअप किया, मतलब चेंजेस किया है. आई शो यू. ये देखिए गाइज, हॉल को है ना हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. पहले ना सोफा इधर था, पूरा ऐसा चेंज कर दिया है. बिकॉज पहले हमारे यहाँ पर टीवी था, तो वो टीवी हट चुका है, तो अब वहां पर उस साइड फेस करके सोफा रखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो कमरे में बहुत जगह रोक रहा था. सो नाउ वी हैव ऑल द स्पेस, मतलब पूरा जगह बन गया यहाँ से चल के जाने के लिए. ये अच्छा भी दिख रहा है. और यहाँ पर हमारे भगवान है. ठीक है, अगर फ्यूचर में हमको कोई छोटा मोटा टीवी रखना होगा तो हम यहाँ पर रख देंगे. अभी के लिए तो जरूरत है नहीं, बिकॉज वी हैव लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पर हमारा एडिटिंग स्टूडियो जैसा है छोटा सा, और ये वही एडिटिंग रूम का हिस्सा है ये. और दिस एंगल इज ऑल्सो गुड वेन यू हैव टू शूट और समथिंग लाइक दैट. हमको शूट वगैरह करना है कभी, तो ये वाली जगह बहुत सही रहती है, तो हम यहाँ पर बैठ के आराम से शूट कर सकते हैं. वैसे अब नीचे जा रहा हूँ, मैंने दवाई ले ली है आज, तो होपफुली मैं कल तक ठीक भी हो जाऊंगा. आज बहुत बीमार हो गया था सीधे. एको लिविंग रूम बंद कर दो. चलो नीचे चलते हैं, मम्मी आज डांटने वाली है. सुबह से दिखाई नहीं दिया, ला 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 ब्ला ब्ला ब्ला. वैसे बाय द वे मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, सब लोग पतंग वतंग उड़ा रहे हैं. मेरा भी मन कर रहा है पतंग उड़ाने का, बट क्या पता आज अभी मन कर रहा है. अगर मन करेगा तो जाऊंगा छत पे और उड़ा के आऊंगा एक आधी पतंग. गन्ने के ऊपर पीपी करने का सोच रहा है गाइस. देखिए क्या खड़ा है, जेसीबी, हमारी भारत देश का सबसे बड़ा प्यार. हाँ, ये अब तो व्यूज आने ही चाहिए. इस आज का व्लॉग खत्म हो गया यहीं पर. आज तो व्यूज दे दो 1-2 लाख. जेसीबी दिखा दिया मैंने आपको. देखिए मैंने आपको जेसीबी दिखा दिया है, व्यूज आ जाने चाहिए आज 1 लाख. Hey guys, तो मैं आया था छत पे पतंग उड़ाने के लिए. अब हुआ ही हूँ, पतंग उड़ गया, एकदम बढ़िया चल रहा था, तो उसकी जो कन्नी होती है ना वो टूट गई. अब मुझे कन्नी बांधना आता नहीं है, फिर मैंने अपनी तरह से बांधी, बट फिर वो उड़े ही ना, क्योंकि बैलेंस उसका बिगड़ गया. सो अभी मैं बोर हो गया और अंधेरा हो गया है. सो फिर मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं. ठीक है, आज का प्रोग्राम डन. अब क्या अभी डिनर वगैरह करेंगे. चलो Hey guys, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज का वीडियो होने वाला है ताजा खबर के बारे में, जो अभी अभी 6 तारीख या 5 तारीख को रिलीज हुई है हॉटस्टार पे. सो अगर आपको वो सीरीज देखनी है तो आप हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं. बहुत ज्यादा अच्छी वाली सीरीज है भुवन बाम बीबी की वाइंस, जिसका हम बहुत बड़े सब लोग फैन है. इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर, जो सबसे मतलब पसंदीदा यूट्यूबर बोल सकते हैं, भले सब्सक्राइबर बेस में वो थोड़ा पीछे है, बट क्योंकि वो ऑब्वियसली रेगुलर वीडियोस नहीं बनाते. सो उनकी एक सीरीज आई है ताजा खबर, जो हॉटस्टार पे है, बहुत ज्यादा अच्छी है. आफ्टर वॉचिंग बीबी की वाइंस के रेगुलर वीडियोस, जिस उस बंदे ने स्टार्ट किया था, एक कमरे में से सेल्फी वीडियोस बनाता था, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता था और हमें हंसाता था. पाकिस्तान में वीडियो हिट होने के बाद इंडिया में आज उसकी पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं है. उसके बारे में अगर आपको जो और जानना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो बीबी की बाइन भुवन भाम. ही इज अ वन ऑफ द मतलब बोलते ना बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, एंड ही इज अ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर वी हैव एवर गॉट. सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं. आज हम बात करने वाले हैं उसकी वेब सीरीज ताजा खबर. मैं भुवन बाम की एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन बन गया था जब से मैंने ढिंडोरा देखी थी. ऑब्वियसली उसकी वेब उसके जो सेल्फी वीडियोस वगैरह तो आउटस्टैंडिंग थे ही, बट जैसे ही उसने 2-4 शॉर्ट फिल्म्स किए उनमें जो एक्टिंग की, तब हमको ऐसा लगता था कि हाँ ही इज अ एक्टर, नॉट अ ओके ओके एक्टर. बट ढिंडोरा करने के बाद और अभी जो ताजा खबर में उस बंदे ने जो एक्ट किया है, आई मीन लाइक फाड़ दिया है. मतलब हीना नॉर्मली ये सब वेब सीरीज नहीं देखती है, बट हीना भी उसमें घुस गई थी. वो बंदे ने इतना बढ़िया काम किया है. सो वेब सीरीज के कुछ अच्छी बातें बात कर लेते हैं. सबसे पहले प्रोडक्शन इज वेरी गुड, मतलब आपको वो फील आएगा बॉम्बे वाला, मतलब संडास
जो उन्होंने यूज किया है और जिस तरीके से बॉम्बे का लुक दिखाया है, मार्केट दिखाया है, बॉम्बे की चॉल दिखाई है, मतलब सब कुछ आपको ऑथेंटिक लगेगा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक, आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक, परफेक्ट सॉन्ग्स, फालतू का कुछ ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, परफेक्ट म्यूजिक, एडिटिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा एडिटिंग वर्क किया हुआ है। ओपनिंग ही इतना इंटरेस्टिंग है, ओपनिंग और एंडिंग ही इतना इंटरेस्टिंग है, इट्स लाइक अ लूप, मतलब एक सर्कल बन जाता है। एंड बहुत अच्छा, मतलब एडिटिंग वाइज इट्स लाइक क्रिस्प, अप टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बात करते हैं स्टार कास्ट, मतलब कास्ट एंड क्रू की। मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन बहुत बढ़िया, सारे कास्ट एंड क्रू ने बहुत अच्छा काम किया है। भुवन बाम और उसके साथ जो और 3 या 4 कास्ट है जो मेन लीड में है, मतलब उन्होंने तो दिल जीत लिया, मतलब इतना बढ़िया काम किया है। जो भुवन बाम का फ्रेंड बनता है, इट्स लाइक दे हैव डिलीवर्ड सो गुड, मतलब उसकी माँ से लेके उसके बाप, उसका बाप का जो कैरेक्टर है, इट्स सो 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 गुड, मतलब ऐसा दिल छू जाता है आपको। अगर ये आपने सीरीज नहीं देखी है तो पक्का जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर हम बात करते हैं एक्टिंग की, भुवन बाम ने जो एक्टिंग की है, आई मीन लाइक रियली रियली गुड। अब स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा मतलब फाड़ नहीं है, बट स्टोरी ऐसी भी नहीं है कि आपको मजा ना आए, स्टोरी इज लाइक एकदम सीमित उसमें है ताकि आप उस वेब सीरीज को दूसरी बार भी एंजॉय कर सकते हो। ऐसा कोई सस्पेंस या थ्रिल नहीं है कि हाँ भाई ये हमने देख लिया, तो जस्ट लाइक दृश्यम, दृश्यम 1, दृश्यम 2 इज अ वेरी गुड मूवी, बट आप उसको बार 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 नहीं देख सकते क्योंकि आपको उसका सस्पेंस और सब कुछ पता चल गया है। सो उसी तरह से बीबी की वाइंस का जो ये ताजा खबर है, वो ऐसा शो है जो आप उसको बार बार देखना पसंद करेंगे। ओनली 5 एपिसोड है, बिंज वॉच कर लीजिए, पूरी रात बैठिए, दिन में बैठ जाइए, 5, 6, 2, 3 घंटे में तो खत्म हो जाएगी, पर आपका दिल जीत के जाएगा भवन। सो या बस यही बात थी। वीडियो बहुत अच्छा, मतलब वेब सीरीज बहुत अच्छी है, जाओ जाके देखो, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताना कि कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। हम क्या करेंगे, रेगुलरली छोटा छोटा कभी कभार अगर ऐसा कोई वेब सीरीज आता है जो मेरे को दिल से अच्छा लगता है, सो आई विल डिलीवर दैट टू यू, ओके। और कल एक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाला है, सो प्लीज उसे देखना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोगों की कमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, ना आपके लाइक करने से कोई मुझे पैसा मिलने वाला है, बट आप जब लाइक और कमेंट करते हैं ना, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया तो भी लिखिए कि ऐसे टाइप का आपको वीडियोस नहीं पसंद आ रहे, अगर जो पसंद आता है वो भी लिखिए, तो मुझे पता रहेगा कि मेरे को कैसा काम करना है, मेरी चैनल को इम्प्रूवमेंट करने में वो मिलेगा। हमने 1000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। सो आप ऑडियंस मेरी फैमिली हो, आप ही अगर नहीं बताओगे कि हम कैसा कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। सो प्लीज डू लेट मी नो। वैसे आप लोग व्यूज के ऊपर तो मुझे पता चल जाता है, बट स्टिल आप लोग अपनी कमेंट्स और वो सब कीजिएगा तो हमें पता चलेगा। और ताज़ा खबर देखना ना भूलिए, ठीक है। मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है ताज़ा खबर की तरफ से, बट लिटरली दिल से अच्छा लगा कि कोई यूट्यूबर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बस उसको प्रमोट करने का मन किया, सो मैं प्रमोट कर रहा हूँ। उसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको कल एक और खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, सोसाइटी को साफ रखें, अच्छे इंसान बने, दिल से काम ले। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।